प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज करेला का चटनी पाउडर बनाएंगे। करेले के चटनी पाउडर बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, दो करेला लिया है, इसको धो के दोनों तरफ काट के इसको कद्दूकस कर लेंगे। मोटे वाले कद्दूकस में कद्दूकस कर लेंगे। इसके लिए जो सामग्री चाहिए, कद्दूकस किया हुआ करेला, एक 30 लाल मिर्ची, एक कप मूंगफली, कड़ी पत्ता थोड़ा, जीरा 1 स्पून, बुगरा थोड़ा सा, आधा कप बुगरा, 1/4 कप व्हाइट तिल, 2 स्पून उड़द का दाल, 2 स्पून चने का दाल, 1/2 कप गुड़, 1 स्पून राई, चौंक के लिए तेल, हिंग, स्वाद अनुसार नमक, 2 स्पून घी, थोड़ा सा हल्दी, 1/4 स्पून हल्दी, अभी कद्दूकस किया हुआ करेले में 1/2 स्पून नमक डाल के, थोड़ा हल्दी डाल के, हल्दी और नमक डाल के इसको मिक्स करके रखेंगे, मिला के रखेंगे। अभी एक पैन में लाल मिर्ची डाल रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको भून लेंगे। देखिए ऐसा, अब इसको निकाल देंगे, भून गया है। मूंगफली को भी अच्छी तरह से भून लेंगे, चने का दाल, उड़द का दाल, सब रोज कलर भून लेंगे। देखिए कितना सुंदर रंग आया है। बुगरा भी इसी में डाल रही हूँ, तिल को भी भून लेंगे। जीरा को भी 1 मिनट ऐसा भून लेंगे। अभी ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गरम होने के बाद करेले को ऐसा निचोड़ के इसको भी भून लेंगे, रोज कलर आने तक भूनेंगे। देखिए ऐसा, पानी सारा इसका सूख जाता है। देखिए रोज कलर हो गया। अब इसको भी निकाल देंगे। अभी इमली को भी 1/2 स्पून तेल डाल के इसको भी थोड़ा ऐसा गरम कर लेंगे, भून लेंगे। कड़ी पत्ता को भी फ्राई कर लेंगे। ये चटनी पाउडर 1 महीने तक यूज कर सकते हैं। इसी में गुड़ भी डाल देंगे। गुड़ ऑप्शनल है,
चाहिए तो डाल सकते हैं। अभी इस सब को मिक्सी जार में डाल के मिक्सी कर रही हूँ। देखिए नमक डाल रही हूँ, करेला जो भून के रखा था वो ठंडा हो गया है, उसको भी मिक्सी जार में डाल रही हूँ। देखिए चटनी पाउडर रेडी हो गया है। अभी इसको चौंक देंगे। घी डाल रही हूँ। घी गरम होने के बाद राई डाल रही हूँ, हिंग, कड़ी पत्ता, ये मिक्सी किया हुआ पाउडर इसमें डाल रही हूँ। ये भी एक मिनट के लिए ऐसा गरम कर लेंगे। देखिए हो गया है। इसको अभी सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। करेला का चटनी पाउडर रेडी।